नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। सत्यमेव जयते, यानी सच की जीत। पर अगर एक ही सच को कई लोग अपना अपना सच बताने लगे तो फिर खुद सत्यमेव जयते ही उलझन में पड़ जाए। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आर्यन की गिरफ्तारी, एनसीबी, समीर वानखेड़े, नवाब मलिक, सभी अपना अपना सच लेकर हमारे सामने हैं। सभी सत्यमेव जयते पर अपना अपना हक जता रहे हैं। और अब तो इस कहानी में एक और नए किरदार की एंट्री हो गई है, एक और नए सत्यमेव जयते के साथ। अब तक नवाब मलिक साहब ने कुछ बातें सामने लाई है, अब आगे का इंटरवल के बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। मेरे मतलब कॉल जा रहा है कि आपके हस्बैंड है किधर। हाँ, फिर उनको हरेसमेंट हो रहा है मेरी तरफ से, मतलब मेरे वजह से। 22 दिनों के बाद जो प्रभाकर की बातें सामने आ रही हैं, वे 22 दिन खामोश क्यों थे? समीर दाऊद वानखेड़े, ये एक फर्जी व्यक्ति है। महानिदेशक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को ये सूचना प्राप्त हुई है, उसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने इसके इंक्वायरी मांग की है, जिसमें कुछ एक फ्लैट वहाँ पे मिल रहा है उनको नवाब मलिक जी से, कुछ पैसे उनको मिल रहे। अब जब कहानी के सेंटर में हीरो का बेटा हो तो कहानी तो पूरी फिल्म होगी। जब किसी हीरो के बेटे को लॉन्च किया जाता है तो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि फिल्म में सारे मसाले हैं ताकि फिल्म हिट हो जाए। पर यहाँ तो पूरा मामला ही उल्टा है। न तो हीरो यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लॉन्च किया जा रहा है, न उनकी कोई फिल्म बन रही है। पर पर्दे के बाहर असल जिंदगी में जाने अनजाने आर्यन की एक ऐसी फिल्म बन गई जिसमें किसी हिट फिल्म के सारे मसाले हैं। पर पहले पर्दे की ये कहानी आपको दिखाऊं, उससे पहले इसी मुंबई में लिखी गई एक और पटकथा की कुछ झलकियां दिखाता हूं, ताकि आज की कहानी आप आसानी से समझ सके। बात इसी साल की है। फरवरी से जून जुलाई तक यही सब चेहरे न्यूज चैनल पर तैर रहे थे। देश के सबसे अमीर शख्स के घर के बाहर एक इंस्पेक्टर कार में आधे अधूरे बम रखता है। जिसकी कार थी उसकी लाश मिलती है। मामले की जांच करने वाला इंस्पेक्टर बाद में खुद ही कातिल निकलता है। खुद पकड़ाता है तो रिश्वत की पार्टनरशिप में राज्य के गृह मंत्री का नाम लेता है। गृह मंत्री नपते हैं तो मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी नाप देने का फैसला करते हैं। कुल मिलाकर इस वक्त की फिल्म यह है कि इंस्पेक्टर सचिन वाजे जेल में, गृह मंत्री कुर्सी से उतारे जा चुके हैं और पुलिस कमिश्नर कई महीनों से लापता है। अब एंटीलिया केस की इस मिसाल से आई आज की कहानी को समझते हैं। कहानी आर्यन की, आर्यन के ड्रग्स लेने की, आर्यन की गिरफ्तारी की और आर्यन की गिरफ्तारी की एक गवाह, उस गवाह की जिसे लगता है कि मनसुख हिरेन जैसा हश्र उसका भी हो सकता है, यानी उसे भी मनसुख हिरेन की तरह मारा जा सकता है। क्रूज ड्रग्स केस में ये वो गवाह है जिसका नाम पंचनामे में है और पंचनामे पर जिसके दस्तखत है। इस गवाह का नाम है प्रभाकर राघोजी सेठ। ये मुंबई अंधेरी ईस्ट का रहने वाला है। ये वो गवाह है जिसने आर्यन खान को 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल क्रूज पर जाते देखा, एनसीबी को आर्यन को हिरासत में लेते देखा, एनसीबी के दफ्तर में बैठे देखा। इतना ही नहीं, ये वो गवाह है जिसने एनसीबी के दफ्तर में बैठकर चोरी छुपे अपने मोबाइल से एक वीडियो भी बनाया। ये वही वीडियो है। प्रभाकर इसी क्रूज ड्रग्स केस में एक और गवाह जिसका पंचनामे पर दस्तखत है, केपी गोसावी का बॉडीगार्ड था। प्रभाकर को गोसावी ने 22 जुलाई को नौकरी दी थी और अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रखा था। 24 अक्टूबर यानी आर्यन की गिरफ्तारी के 22 दिन बाद प्रभाकर अचानक फैसला करता है कि उसे आज तक से बात करनी है। आज तक संवाददाता कमलेश सुतार के साथ प्रभाकर न सिर्फ बातचीत करता है बल्कि अपने मोबाइल से बहुत सारे ऐसे सबूत देता है जो 2 अक्टूबर की एनसीबी की कहानी पर सवाल खड़े कर देते हैं। इतना ही नहीं, प्रभाकर 24 अक्टूबर को ही 5 पन्नों का एक एफिडेविट जारी करता है।
इसमें क्रूज परेड और आर्यन समेत बाकी लोगों की गिरफ्तारी, पंचनामा और फिर देर रात पैसों की डील के बारे में वो तफसील से बताता है। एनसीबी ऑफिस के मतलब 500 के करीब एक लेफ्ट टर्न है, वहां पर एक आदमी आया मिलने के लिए किरण गोसावी को, उनका नाम सैम करके था। आधे घंटे में दो मुलाकात होगी। अच्छा। हाँ, मेरे अंदर अभी डर पैदा हुआ कि इतना अगर हो रहा है तो मेरे ऊपर भी आ सकते हैं। तो इसका डर लग रहा है आपको? यही, अगर मैं पंचनामा में हूँ, मेरा ब्लैंक पेपर पे साइन लिया है, तो वानखेड़े सर को लगता रहेगा कि ये आदमी को पहले उठा लो करके, ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए मेरे अंदर अभी मेरा डर पैदा हुआ। गाड़ी में इतना ही चल रहा था कि 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 में फाइनल कर, 8 अपने को वानखेड़े को देना है, 10 अपने को बांट लेना करके। अच्छा, 25 मतलब क्या? 25 लाख कितना? 25 ईयर, 25 करोड़ रुपया। इनका जो पूरा ऑपरेशन जो चालू था वो दोपहर से ही चालू था, और मुझे भी अंदर बुलाया था, मतलब 12:30 के बाद में। किसने बुलाया था आपको वहां पर, जरा डिटेल में बताएंगे हमें? किरण गोसावी सर ने मुझे बोला कि तू बाहर मत जाना, वहां पर जो मतलब तंबू वगैरह बांधा है बैठने के लिए, जो क्रूज के मेंबर अंदर आ रहे थे तो वहां पर उनकी सीटिंग अरेंजमेंट थी, तो वहां पर ही बैठ, मैं थोड़ी देर में तुझे कुछ फोटोज व्हाट्सएप करूंगा जी। उनको सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है, मतलब पहचानना है। कुल मिलाकर प्रभाकर की कहानी के मुताबिक केबी गोसावी के कहने पर 2 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे वो ग्रीन गेट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पहुंचा था। रात करीब 12:30 बजे केपी गोसावी अपने इनोवा कार में एनसीबी के कुछ अधिकारियों के साथ आर्यन को लेकर एनसीबी ऑफिस पहुंचा। रात करीब 1 बजे प्रभाकर को समीर वानखेड़े और एनसीबी के एक और अफसर सालेकर ने 9-10 सादे पेपर पर साइन करने को कहा, उसे पंचनामा बताकर। इसके बाद उसी रात गोसावी को उसने फोन पर सैम नाम के किसी शख्स से बात करते सुना। प्रभाकर के मुताबिक गोसावी सैम से कह रहा था कि तुमने 25 करोड़ का एक बम फोड़ दिया है, 18 करोड़ में अब फाइनल करते हैं, हमें 8 करोड़ समीर वानखेड़े को भी देने। प्रभाकर के मुताबिक उसी रात एक मर्सिडीज कार में शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी लोअर परेल पहुंचती है। इसके बाद सैम, केबी गोसावी और पूजा ददलानी मर्सिडीज में बैठकर बातें करते हैं। 15 मिनट बाद पूजा ददलानी चली जाती है और गोसावी भी वहां से निकल जाता है। एफिडेविट में प्रभाकर यह भी कहता है कि केपी गोसावी 3 अक्टूबर से ही गायब है और अब उसे भी डर है कि कहीं एनसीबी उसे मार न दे या फिर अगवा कर दे। शाम को ही मुझे पता चली है कि इसके पीछे ये सब बोलने के लिए। मैं तो ये बोलूंगा कि प्रभाकर को आप उसका मोबाइल रिकॉर्ड चेक करो, गए 2-4 दिन का, उसके लोकेशन चेक कीजिए, उसके बाद में उसने जो जो दलीलें पेश की है कोर्ट में या एफिडेविट दिया है उसको टैली करो, और इसके लोकेशंस, इसके कॉल रिकॉर्ड्स क्या बोलते हैं, इनके साथ में इनके भाई, 2 भाई थे वहाँ पे जब इनका वीडियो शूट आउट किया गया है, वो वीडियो ज़बरदस्ती में शूट किया है, उसके बाद में इनको कुछ ऑफर भी आई है जिसमें कुछ एक फ्लैट वहाँ पे मिल रहा है उनको नवाब मलिक जी से, कुछ पैसे उनको मिल रहे, कुछ पैसों का हवाला सोलापुर में भी हुआ है उनका। प्रभाकर के इसी खुलासे के बाद हंगामा मच गया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या एनसीबी का पूरा ऑपरेशन उगाही के लिए, क्या आर्यन की रिहाई के लिए पहले एनसीबी सौदा कर रही थी, सौदा करने वाला सैम कौन है, एनसीबी से उसका क्या रिश्ता है, केपी गोसावी को एनसीबी ने इतनी छूट क्यों दे रखी थी, एनसीबी की हिरासत में गोसावी मोबाइल को स्पीकर पर डालकर आर्यन की किससे बात करा रहा था, प्रभाकर से पंचनामे के बाद सादे कागज पर साइन क्यों कराए गए, पंचनामा अमूमन मौके पर होता है, फिर इस केस में एनसीबी के दफ्तर में पंचनामा क्यों हो रहा है, ये वो सवाल हैं जो सीधे समीर वानखेड़े से पूछे जा रहे हैं। मामला संगीन है क्योंकि प्रभाकर पुलिस कंप्लेंट लिखाने के लिए सोमवार को बाकायदा मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर भी गए। एक सरकारी कर्मचारी पर उगाही के इल्जाम लग रहे हैं, याद कीजिए इसी इल्जाम में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख नप चुके हैं। शायद यही वजह है कि एनसीबी और खुद समीर वानखेड़े सोमवार को अदालत पहुंच जाते हैं इस फरियाद के साथ कि जांच को भटकाने के लिए कुछ लोग जानबूझकर समीर वानखेड़े और एनसीबी पर उंगलियां उठा रहे हैं। प्रभाकर केस में गवाह है लेकिन वो किसी के इशारे पर अब काम कर रहा है। यहां तक कि समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी एक खत लिखा है। लेटर में उन्होंने कहा है कि उन्हें झूठे मामलों में फंसाने और जेल भेजने की साजिश रची जा रही है, जबकि खुद एनसीबी के डायरेक्टर मामले की जांच करा रहे हैं और जब तक ये जांच नहीं हो जाती पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करे।
एनसीबी की तरफ से समीर वानखेड़े के बचाव में अदालत में एफिडेविट भी दी गई है। इसमें प्रभाकर सेल के सारे इल्जामों को झूठा बताया गया है। इस एफिडेविट में एक जगह प्रभाकर के एक इल्जाम का भी जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रभाकर ने अपने एफिडेविट के पैरा 13 में ये कहा है कि एक महिला पंचनामे पर दस्तखत कराने वाले एक गवाह से मिली थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो महिला केस पर प्रभाव डालना चाहती थी और इसीलिए मिली थी। शायद यहाँ पर शाहरुख खान के मैनेजर पूजा ददलानी की बात हो रही है। इस एक पैरा 13 को छोड़ दे तो एनसीबी की एफिडेविट में प्रभाकर के बाकी किसी भी इल्जाम का सिलसिलेवार जवाब नहीं दिया गया। मुस्तफा शेख, सौरभ बक्तानिया, अरविंद ओझा और दिव्येश सिंह के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज। इसमें कोई शक नहीं कि प्रभाकर एनसीबी का गवाह था, पर हमारे यहाँ गवाहों के टूटने, बिकने या बदलने की कहानी कोई नई कहानी नहीं है, अक्सर ये सुनने को मिलता है। वैसे प्रभाकर के इल्जाम संगीन है, हालांकि प्रभाकर ने जो कुछ कहा है अगर सीसीटीवी कैमरों की नजरों से उसे टटोला जाए या खंगाला जाए तो सच हमारे सामने आ सकता है। प्रभाकर के इल्जाम के बाद विजिलेंस ने समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। अब इस जांच के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या जांच के दौरान समीर वानखेड़े अपने पद पर बने रहेंगे या उन्हें उनके पद से हटाया जाना चाहिए। वैसे जिस तरह से प्रभाकर ने एनसीबी और समीर वानखेड़े पर इल्जाम लगाए उनमें कई ऐसी चीजें हैं जो बड़ी आसानी से पता लगाई जा सकती है। 2 अक्टूबर की रात प्रभाकर एनसीबी के दफ्तर के बाहर था। सीसीटीवी कैमरे से ये पता किया जा सकता है। एनसीबी के एक अफसर सालेकर को प्रभाकर ने आधार कार्ड व्हाट्सएप पर भेजा था। सालेकर के फोन नंबर 8167609 से ये पता लगाया जा सकता है। गोसावी और सैम डिसूजा बिग बाजार के करीब लोअर परेल ब्रिज के पास मिले थे। सीसीटीवी कैमरे से ये भी पता लगाया जा सकता है। उसी रात पूजा ददलानी भी लोअर परेल ब्रिज के पास ही सैम और गोसावी से मिली थी, ये भी कैमरा बता सकता है। ट्राइडेंट होटल के पास प्रभाकर ने एक शख्स को 38 लाख रुपए दिए थे, ये मंजर भी कैमरे में कैद होगा। प्रभाकर, गोसावी, सैम, पूजा ददलानी सभी लोगों के मोबाइल लोकेशन प्रभाकर के सच और झूठ को आसानी से बता सकते हैं। उधर इन तमाम चीजों के बीच महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर सोमवार को एक और नया इल्जाम धर दिया। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े का बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया है। इस सर्टिफिकेट के जरिए उन्होंने समीर वानखेड़े पर गलत जाति प्रमाण पत्र देने का इल्जाम लगाया है। नवाब मलिक का दावा है कि सर्टिफिकेट पर समीर वानखेड़े के पिता का नाम दाऊद के वानखेड़े लिखा है, जबकि समीर के पिता जो कि मुंबई पुलिस में थे उनका नाम ज्ञानदेव वानखेड़े। लगातार एनसीबी पर हमला बोलने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का एक नया ट्वीट फिर से चर्चा में है। नवाब मलिक ने सोमवार की सुबह एक समीर दाऊद वानखेड़े नाम के शख्स का बर्थ सर्टिफिकेट ट्वीट करके कहा है यही से शुरू हुआ फर्जीवाड़ा। नवाब मलिक इस ट्वीट के जरिए क्या कहना चाहते हैं ये तो साफ नहीं है, लेकिन जिस शख्स का उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट ट्वीट किया है उस शख्स का नाम इस बर्थ सर्टिफिकेट में समीर दाऊद वानखेड़े बताया गया है। साथ ही साथ जो पिता का नाम है दाऊद वानखेड़े उसे करेक्ट कर इस बर्थ सर्टिफिकेट की राइट में इसे बदल कर ज्ञानदेव कानोजी वानखेड़े भी किया गया है। माँ का नाम इसमें जुबेदा ही बताया गया है और धर्म जो है इस बर्थ सर्टिफिकेट में मुस्लिम बताया गया है। तो सवाल ये उठ रहे हैं, अटकलें ये लग रही है, क्या नवाब मलिक ये दिखाना चाहते हैं कि समीर वानखेड़े एनसीबी के जो ऑफिसर है, जोनल डायरेक्टर है, क्या उनकी बर्थ सर्टिफिकेट है ये, या फिर समीर वानखेड़े धर्म से मुस्लिम है ये दिखाना चाहते हैं नवाब मलिक और इसके जरिए क्या साबित करना चाहते हैं, इस बात को लेकर अटकलें लग रही है। वैसे लगातार फिल्मी होती जा रही इस फिल्मी कहानी से हटकर आपको बताता चलूं कि मंगलवार यानी 26 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई। अब देखना यह है कि 24 दिन बाद आर्यन को रिहाई मिलती है या वो अब भी जेल में रहे। वैसे बेटे की गिरफ्तारी के 23वें दिन गौरी खान पहली बार आर्यन खान से मिलने सोमवार को जेल पहुंची थी। मुस्तफा शेख, सौरभ बक्तानिया, अरविंद ओझा और दिव्येश सिंह के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही।